यहाँ पर एक बड़ा सा हम्प आया है 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। स्टार्ट द टाइम देखते हैं, 80-90 तक ये गाड़ी बहुत ज़्यादा क्विक थी, बट 80-90 के बाद पावर डिलीवरी लीनियर ही रहने वाली है। वो कोई एकदम खास पंच आपको देखने को नहीं मिलता। 19.93 nm का टॉर्क देख लो, फोर्थ गियर पे 20 की स्पीड में बाइक चल रही है यहाँ पर। बट एक और क्वेश्चन ये आता है कि अब मैं फोर्थ गियर से उठाने जाऊँगा तो गाड़ी नॉक तो नहीं करेगी, ये देखो। और अब इसका एक बार ब्रेक टेस्ट भी करने वाले हैं हम। दोनों सेम प्राइस है, मैं हंटर लूँ कि रॉनिन लूँ, मेरे लिए कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज हम राइड करने वाले हैं ऑल न्यू 2024 TVS रॉनिन 225 का स्पेशल एडिशन। नई कलर स्कीम आप मेरे पीछे ही देख सकते हो। डिटेल में राइड में इसकी सारी बातें करेंगे, लेना चाहिए कि नहीं इस साल, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। साथ ही में आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि यार इसी प्राइस में हंटर 350 आती है तो दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है। साथ ही में इस प्राइस पॉइंट पे एक रेट्रो एज वेल एज कैफे रेसर फील देने वाली बाइक यही बन जाती है इंडियन मार्केट में। तो क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ प्राइस रहने वाली, कितने क्या वेरियंट्स आते हैं, क्या कुछ यूनिक बातें इस बाइक की, सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं। पहले तो आप यहाँ से लुक्स चेकआउट करो, क्या ही नेक्स्ट लेवल लुक यहाँ पर दे रही है। फुल LED इसमें आपको सेटअप मिलने वाला है, भले वो हेडलैम्प हो, टेल लैम्प हो, इसके टर्न सिग्नल्स हो, गोल्डन USD के कारण इसके आप लुक्स चेकआउट कर सकते हो। और गाड़ी काफ़ी भरी भरी लगती है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ना तो आपको ऐसा कुछ भी गाड़ी में ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यार यहाँ जगह छोड़ दी, यहाँ जगह छोड़ दी। पूरी पैक भरी हुई गाड़ी का फील आपको इस बाइक में आने वाला है। रियर की ओर आपको मैं दिखाता हूँ, रियर से चेकआउट करो, फुल LED टेल लैम्प और कितने यूनिक लुक्स में यहाँ पर मिलते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, GoPro को माउंट करता हूँ और चलते हैं इसकी राइड पर। ये रही बाइक की कीज़, और कीज़ में भी देखो यार टी इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है। फ्रंट प्रोफाइल हालांकि मैंने आपको चेकआउट करा दी है, बट फिर भी आप ये फ्रंट लुक्स देख लो और ये रियर लुक्स देख लो। इसमें आपको सिंगल टोन, ड्यूअल टोन, ट्रिपल टोन, सिंगल चैनल ABS, ड्यूअल चैनल ABS सब टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। सीट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जिस लोकेशन में मैं लेकर आया हूं, यहां पर अच्छी खासी ऑफरोडिंग भी होने वाली, मतलब एक बड़ा सा हम्प है, तो वहां पर भी हम उतार कर देखेंगे कैसा क्या रिस्पांस रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जॉस्ट हम सुना देता हूं। देखो स्टार्ट कितना साइलेंट है, वन सेल स्टार्ट, मतलब बटन से प्रेस करूंगा ना पता भी नहीं लगता। ये हो गई स्टार्ट, काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट हम्प आपको मिलता है। गाइस देखो यहाँ पर एक बड़ा सा हम्प आया है, 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। चढ़ाते टाइम तो मुझे कोई भी इशू नहीं आया, इतने इजीली चढ़ गई ना, और उतारते टाइम देखते हैं। ये देखो, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड तो कोई भी इशू आपको आने नहीं वाला है। और वही आप इसका कंपटीटर देखोगे ना, जो कि है अपना हंटर 350, उसमें सिर्फ 150 mm का ही मिलता है। अब हालांकि हंटर को भी मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ इस एरिया में, बिकॉज बहुत टाइम हो गया हंटर पे भी अपन ने वीडियो बनाई नहीं है। मिरर्स को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी आप दोनों साइड कर सकते हो। आपको ऐसे चाहिए कुछ रेट्रो लुक में तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों आप कर सकते हो, हमने लैंडस्केप कर लिया है। अभी हाईवे चलेंगे, 0 to 100 भी देखेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। 1,49,000 rupees इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, एंड गोज अप टू 1,73,000 rupees एक्स शोरूम, जो कि ये टॉप वेरिएंट के लिए रहने वाली है। बेस मॉडल से टॉप मॉडल में अराउंड 23,000 rupees का डिफरेंस आ जाता है। अब उसमें आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स अपग्रेडेशन मिलेगा, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, साथ ही में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस आपको बेस टू टॉप मॉडल में देखने को मिलेंगे। बट इसके इंजन स्पेक्स की बात करें ना, तो गाइस 225cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिलने वाला है, जो कि 20.4 PS की पावर एंड 19.93 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब जो ये पावर स्पेक्स से आपको सुनने में तो अच्छे लग रहे होंगे, बट प्रैक्टिकली अभी हम टेस्ट करने वाले हैं हाईवे पे जाके कि ये पावर स्पेक्स कैसे हैं, ये इंजन वो पावर प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, और एज कम्पेयर टू हंटर 350 कैसी क्या इसकी पावर डिलीवरी है। सो लेट्स लॉन्च इट। देखो अभी जितना मैंने बाइक को रेव कराना, 8,000 rpm के बाद फुट पैक्स पे वाइब्रेशन वो आ रहे थे, जो कि मुझे हंटर पे भी आते हैं, तो दोनों ही बाइक्स में वाइब्रेशन आ रहे थे। और कहीं ना कहीं 80-90 तक ये गाड़ी बहुत ज़्यादा क्विक थी, बट 80-90 के बाद पावर डिलीवरी लीनियर ही रहने वाली है। वो कोई एकदम खास पंच आपको देखने को नहीं मिलता, बट जो चलाने का फील है ना, अभी मेरा आप पोस्चर चेकआउट करो, जो ये हैंडल बार है, जो सीट है, पिलियन भी मेरे साथ बैठा है, बट मुझे पता नहीं लग रहा है इतना प्यारा इसका कंफर्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपको मनूवर करने में, ऐसे फ्लिक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, काफ़ी इजी टू राइड ये बाइक रहने वाली है। साथ ही में थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको मैं शेयर कर देता हूँ। 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो मैंने आपको बता दिया, बट इसका वेट है सिर्फ 160 kg का, जिसका एडवांटेज क्या रहने वाला है, अरे यार आपको लीन करके बताता बट यहाँ पर ट्रैफिक आ गया।
सो यहाँ पे आप इजीली बाइक को ऐसे लीन करके चला सकते हो। 160 केजी के कारण आपको गाड़ी आगे पीछे लेने में कहीं भी इशू नहीं आने वाला है। 795 mm की सीट हाइट है, तो जिनकी हाइट 5556 है वो इजीली इस बाइक को कम्यूट कर सकते हैं। और साथ ही में अपर वेरियंट्स में आपको ये जो ड्यूअल टोन कलर मिलते हैं ना, वो आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो काफ़ी अपीलिंग फील आपको कराने वाले हैं। अब अगर हैंडल बार की बात करते हैं, पोस्चर तो मैंने आपको बता दिया, बट आप ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख पा रहे होंगे, हंटर जैसा सिमिलर लग रहा है, बट फीचर में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी एवरेज स्पीड दो मोड्स भी मिलते हैं, अर्बन मोड, रेन मोड, जो कि आपके ABS के साथ काम करने वाले हैं। तो हम अर्बन मोड पर डाल लेते हैं। तो अर्बन मोड पर अभी मैं राइड कर रहा हूँ। इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर इंडिकेशन, फ्यूल गेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जो आप इस आई बटन से टॉगल कर सकते हो। तो फीचर तो कंपनी ने इसमें भर भर के दिए, अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। दो बड़े एडवांटेज और है, फ्रंट में आपको USD मिलता है, रियर में मोनोशॉक मिलता है। अब अगर आप हंटर में देखोगे तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, रियर में आपको ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। तो एज कम्पेयर टू हंटर ये 20 किलो हल्की भी है, साथ ही में ये गाड़ी आपको इजी टू राइड रहने वाली है। अब दोनों गाड़ियों के वर्डिक भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज देखो ऐसा नहीं है, रॉयल इनफील्ड के इंजन की भी एक अपनी खासियत है, रॉयल इनफील्ड का भी एक अपना फील है। बट आप अगर कन्फ्यूज्ड हो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे रॉयल इनफील्ड की बाइक ऑन करना चाहिए कि TVS की रॉनिन 225 की ओर जाना चाहिए, तो वो वर्डिक मैं आपको अभी आगे देने वाला हूँ। साथ ही में अभी आप देख सकते हो 70-80 तो आप इस गाड़ी के साथ ईजिली क्रूज कर सकते हो। लाइक मैं अभी 4000-6000 RPM पे चला रहा हूँ ना, तो ऐसा सच मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना ही कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है। अगर मैं इसे ज़्यादा रेव करूँगा ना तो फिर फ़र्क पड़ने वाला है। और आप आपके बजट के अकॉर्डिंग वेरिएंट चूज़ कर सकते हो, जिसे ड्यूअल चैनल ABS की नीड नहीं है, डेली सिटी रन ही रहने वाला है, वो कम बजट में सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट ले सकता है। बाकी यहाँ से चलते हैं थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच में, हम इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं। देखो ड्यूअल चैनल ABS है, फ्रंट में 100 सेक्शन टायर है, रियर में 130 सेक्शन टायर है। तो यहाँ पर एक बार टेस्ट करते हैं इसके ब्रेक्स। मतलब कहीं भी बाइक स्किड होने जैसा इशू नहीं आया है, हालांकि मैंने एकदम इमीडिएट ब्रेकिंग तो नहीं करी है। जहां पर लो एंड टॉर्क की बात आती है ना, कंपनी 19.93 NM का टॉर्क बता रही है। अब थर्ड गियर पे देखो, मैंने थ्रॉटल ही छोड़ दिया है। थर्ड गियर पे थ्रॉटल छोड़ने के बाद भी यहां पर 13 से 14 की स्पीड पर बाइक चल रही है। अब जैसे ही मैं फोर्थ गियर एंगेज करता हूँ, ये देखो, मानना पड़ेगा यार, वो एक मतलब जैसे कार्स में डीजल वाला पंच आता है ना, वैसा ही ये गाड़ी पंच इसमें प्रोवाइड कर रही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे ये RPM हाई है, ऐसा नहीं है गाइस। 19.93 NM का टॉर्क देख लो, फोर्थ गियर पे 20 की स्पीड में बाइक चल रही है यहाँ पर। बट एक और क्वेश्चन ये आता है कि अब मैं फोर्थ गियर से उठाने जाऊँगा तो गाड़ी नॉक तो नहीं करेगी? ये देखो क्या बात है यार, ये चीज़ आप हंटर में नहीं कर पाओगे। लो एंड टॉर्क तो यार गाड़ी का बहुत बढ़िया है, और फोर्थ गियर के बाद भी अगर मैं गाड़ी को ऐसे बढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे अंडर पावर बिल्कुल भी फील नहीं करा रही है। और साथ ही में आप हाईवेज पे हाई स्पीड पे चलाओगे तो 160 केजीज़ का वेट ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, सफिशियंट है। मतलब पास से कोई ट्रक जाता है ना तो इनसिक्योर फील होने वाली तो फीलिंग कभी भी नहीं आने वाली है। बाकी एक मेन क्वेश्चन आ जाता है, माइलेज कितना देने वाली है गाड़ी? तो गाइज देखो, 225 cc का इंजन है, सिटी में और हाई स्पीड पर आप चला रहे हो तो आपको ये माइलेज दे देगी 35 से 40 के बीच में, जो एक आप एवरेज माइलेज लेकर चल सकते हो। बट अगर आप इकोनॉमी स्पीड पर चला रहे हो ना, तो आपको ये गाड़ी 45 तक का माइलेज आराम से निकाल के दे सकती है। अब मैं एक एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो इंडिविजुअल राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी को पुल करने में मजा तो आता है यार, नो डाउट। और ये हम्स भी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे बिकॉज सस्पेंशन काफी कंफर्टेबल है। और अब इसका एक बार ब्रेक टेस्ट भी करने वाले हैं हम, अराउंड 90 की स्पीड पर हम टेस्ट कर रहे हैं 2024 रॉनिन 225 स्पेशल एडिशन के ब्रेक टेस्ट। देखो मैंने इमीडिएट ब्रेकिंग नहीं करी, इंस्टेंट ब्रेकिंग भी नहीं करी, हल्के से ब्रेक प्रेस करे। ड्यूअल चैनल ABS, ड्यूअल डिस्क ब्रेक के कारण आपको कॉन्फिडेंस फॉर श्योर ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है। अब ये गाड़ी किन के लिए, किन बायर्स को लेना चाहिए, वो भी अभी हम बात करेंगे। ये क्रूज़र वाला फील भी देगी, कैफे रेसर वाला फील भी देगी, साथ ही में इतने ईजी टू राइड हो रही है ना, मज़ा आ रहा है मुझे इस गाड़ी को चलाने में। फ्रंट में आपको स्पेशल एडिशन में बड़ा सा वाइजर भी मिल जाता है। और वर्डिक्ट की ओर बढ़ते हैं, इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं? अब गाइस देखो यार, आप पहले से मन बना के बैठे हो कि यार मुझे तो रॉयल इनफील्ड की बाइक लेनी है, तो फिर मैं आपको ऐसा कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज एक चॉइस सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो अगर आपको रॉयल इनफील्ड की बाइक लेना थी तो आप उस बाइक के लिए जा सकते हो। बट अगर आप सोच रहे थे कि यार दोनों सेम प्राइस है, मैं हंटर लूँ कि रॉनिन लूँ, मेरे लिए कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी, रॉयल इनफील्ड की सबसे अफोर्डेबल बाइक है, सबसे सस्ती बाइक बोलूँ तो वो हंटर हो जाती है। बट उसमें आपको फीचर्स कुछ भी नहीं मिलते। अब हंटर से रॉनिन में क्या ज़्यादा डिफरेंस है? फुल LED सेटअप मिलता है, फुल LED टेल लैम्प, हेड लैम्प, टर्न सिग्नल,
साथ ही में ज़्यादा बेटर फीचर्स के साथ इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, ज़्यादा बड़ा टैंक आपको मिलता है, साथ ही में आपको लाइट वेट गाड़ी ये रहने वाली है, साथ ही में आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, साथ ही में सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्राउंड क्लियरेंस। 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि हंटर में आपको सिर्फ 150 mm का मिलने वाला है। अगर प्रैक्टिकल यूसेज में देखें ना, सिटी राइड्स में देखें, कम्फर्ट में देखें, रिफाइनमेंट में देखें, तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बट जहाँ हंटर की बात आती है ना, नो डाउट वो भी बहुत रिलायबल गाड़ी है, बिकॉज 350 cc का इंजन उसमें वही मिलता है जो मीटियर और क्लासिक में यूज़ कर रहे हैं। बट उस गाड़ी का वेट भी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज उसमें सिर्फ इंजन का ही वेट है, बाकी सब लाइट वेट फाइबर यूज़ करा गया है। तो ओवरऑल देखो, चॉइस आपकी है, दोनों में से अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस रहने वाली है रॉनिन। हंटर ले रहे हो तो भी कोई गलत चॉइस नहीं रहेगी, बट अगर आप ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक मुझसे पूछोगे तो आई विल से ओफर 225। वीडियो गाइज यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।